अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुलचा बनाएंगे। कुलचा बनाने के लिए मैदा हमने लेना है 2 कप, कुकिंग ऑयल लेना है 2 टेबलस्पून, शुगर चीनी लेनी है 1.5 टेबलस्पून, नमक लेना है 1/2 टीस्पून या टू टेस्ट, बेकिंग सोडा लेंगे 1 टीस्पून, दही लेंगे 4 टेबलस्पून। गार्निश के लिए, ऊपर लगाने के लिए आप कुलंजी भी ले सकते हैं, हरे धनिया के पत्ते भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब हमने कुलचा बनाने के लिए डो तैयार करना है। सबसे पहले हमने बॉल में मैदा डाल लेना है 2 कप। मैदे को आप छान लें। चीनी डालेंगे 1.5 टेबलस्पून, कुकिंग ऑयल डालेंगे 2 टेबलस्पून, नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून या टू टेस्ट, बेकिंग सोडा डालेंगे 1 टीस्पून, दही डालेंगे 4 टेबलस्पून भरकर, अब आटे को हमने पानी के साथ गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा हमने, ना ज्यादा सख्त हो ना नरम हो, बिल्कुल नॉर्मल रोटी की तरह ही हमने आटा गूंदना है। रोटी वाले आटे से भी थोड़ा सा नरम हो तो ज्यादा अच्छा है। अब हमने आटे को गूंद लेना है थोड़ा थोड़ा पानी के साथ। आटे को हमने गूंद लिया है, रोटी वाले आटे से हमने इसको थोड़ा सा नरम गूंदा है। इस तरह से थोड़ा सा आटे को हमने नरम गूंदना है, सख्त नहीं गूंदना, बस हल्का सा नरम हो। अब हमने कोई गीला कपड़ा ऊपर दे देना है, या फिर आप पेपर टॉवल गीला करके ऊपर दे दें, अच्छी तरह से इसको ढांप दें। 1 घंटे के बाद आप कुलचे पका सकते हैं। आटे को हमने 1 घंटे तक रखा है। अब हमने मैदा लगाकर, सूखा मैदा लगाकर इसके हमने पेड़े बना लेने हैं। इस तरह से हमने सारे पेड़े बना के रख लेने हैं एक प्लेट में। पेड़े बनाकर सारे हमने एक प्लेट में रख लेने हैं। अब हमने सूखा मैदा लगाकर कुलचे को हमने बेल लेना है। ये आपकी मर्जी है, आपने जितना भी बड़ा साइज रखना हो उतना ही बेल लें, गोल बेल लेंगे। अब हमने इसके ऊपर हल्की हल्की कुलंजी डाल देनी है, डालकर ऊपर से हमने थोड़ा सा इसको बेल देना है ताकि कुलंजी जो है ये साफ चिपक जाए। अब हमने मीडियम आग पर तवे को गर्म कर लेना है, इसके ऊपर हमने कुलचे को डाल देना है। कुलचे को गीला करके इसके ऊपर कुलंजी चिपकाएं, एक साइड से हमने तवे पर पकाना है, दूसरी साइड से हमने ओवन में रखना है। ओवन को हमने 450 डिग्री पर गर्म कर लिया है, या जितना भी आपका ओवन तेज़ हो 500 डिग्री तक तो आप गर्म कर लें, हाई पर गर्म करके फिर उसमें आप पकाइए। एक साइड से तवे पर, दूसरी साइड से ओवन में रखेंगे। बस 1 मिनट के लिए हमने तवे पर पकाना है। इसके ऊपर छोटे छोटे बबल बन जाएंगे,
फिर हमने इसको उठाकर ओवन में रखना है। आप इसके ऊपर कुलंजी भी लगा सकते हैं, हरा धनिया भी लगा सकते हैं, अगर हरी मिर्च पसंद करते हैं तो वो भी लगा लें। जिस तरह से भी आप लाइक करें। अब छोटे छोटे बबल आने लग गए हैं, अभी हमने थोड़ी देर इसको और पकने देना है। बिल्कुल सिंपल मज़ेदार कुलचे बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं घर में। बस आटा बनाकर आप 1 घंटे 1-1.5 घंटा उसको रेस्ट देंगे तो बहुत मज़ेदार प्लेन कुलचे बन जाएंगे। ओवन को आपने हाई स्पीड पर रखना है, ये आप देख लें, जितना भी आपका तेज़ ज़्यादा गर्म होगा उतना ही अच्छा कुलचा रेडी हो जाएगा। अभी हमने देखना है, बस अब हमने इसको उठा लेना है ओवन ट्रे के अंदर रख के। अब हमने इसको ओवन में रखना है। कुलचे को हमने ओवन टोस्टर के अंदर रख दिया है, इसको हमने ऊपर से पका लेना है। दूसरे नान के ऊपर हमने बेलकर पानी लगाकर इसके ऊपर हमने सूखा हरा धनिया लगा दिया है, या अगर फ्रेश है तो वो लगा दें। एक साइड से हमने तवे पर पकाना है, दूसरी साइड से हमने ओवन में रख के पकाना है। एक कुलचा हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह से हमने सारे कुलचे रेडी कर लेने हैं। अब हमारे बहुत ही मज़ेदार कुलचे तैयार हैं। 3 कुलचे हमने बनाए हैं, एक के ऊपर हमने हरा धनिया लगा दिया, एक के ऊपर कुलंजी, एक हमने प्लेन बनाया है। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और सॉफ्ट हैं। इस तरह से आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मेरे फेसबुक पर मैसेज करें या इस वीडियो पर कमेंट्स करें। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।